बोलिए आप। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गोपी जन वल्लभा जन बल्लभा जय गिरवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Guru Nityananda, Jai Guru Nityananda, Jai Guru Nityananda, Jai Guru Nityananda, Guru Jai Gauranitai, 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 Jai
गौरनिताय 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 जय हो राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधे जय राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधे जय हो राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधे राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधे जय राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधे जय राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गौर हरि गुरु हरि गुरु हरि गुरु गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल विष्णुपाद परमहंस परमेधिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जय समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय पांडवा निर्जला एकादशी की जय उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों को निर्जल एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं निर्जल रह कर के भगवान को प्रसन्न करने का। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 11 पर चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए अवजानन्ति माम मूढ़ा माशुनिम माशुनिम तनुमाश्रतम तनुमाश्रतम परम परम भावमजानन्तो भावमजानन्तो माम माम भूतमहेश्वरम भूतमहेश्वरम अवजानन्ति मामूढ़ा अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो परम भावमजानन्तो माम भूतमहेश्वरम् माम भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति मामूढ़ा अवजानन्ति मामूढ़ा
मानुषिं तनुमाश्रितम् मानुषे तदुमाश्रितम् परं भावम् जानन्तु परं भावम् जानन्तु मम भूतमहेश्वरम् मम भूतमहेश्वरम् शब्दार्थ अभिजानन्ति उपहास करते हैं माम मुझको मूढ़ा मूर्ख मानुष्यम मनुष्य रूप में तनुम शरीर आश्रितम मानते हुए परम दिव्य भावम स्वभाव को अजानंतः न जानते हुए मम मेरा भूत प्रत्येक वस्तु का महाईश्वरम परम स्वामी। श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य इसका बड़ा है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनेंगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। तात्पर्य इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वरः परमा कृष्णा, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर का नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्यतः प्रबंधन कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री और उसके ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रित होता है, हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता हैं। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है, ईश्वर परम कृष्ण। और उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक है, भौतिक नहीं है। पिछले श्लोक में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहां मानुषिम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंदमय विग्रह रूप में है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1:1। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन हैं, तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं, सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है, गोपाल तापनी उपनिषद। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है, इसीलिए वह मूढ़ कहलाता है। क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं, ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गूह कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर
पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। वे मूढ़ यह भी नहीं जानते कि यह जगत भगवान का अवतरण, इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मम माया दुरतया। भगवान का दावा है कि यद्यप भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल जाता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर, जो समस्त विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यप कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योग में स्वरम या अचिंत दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ समीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यप मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान हैं। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद हैं, किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। श्रीमद् भागवत में 1:1:20 जब सोनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, कृत्वान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमत्यानि भगवान गुण कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति कीड़ा की, और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए थे, तो वे चार भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया था। भूव प्राकृतः शिशु, भागवत 10:3:40। वे एक सामान्य मानव बन गए। यहां पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की, तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक
3:29-21 जो यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेश भूतेषु भूतमा वस्थितः सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे महान आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अन अधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं चूंकि भगवान सर्वत्र है तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे? यद्यप सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावना मृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं, किंतु इसके साथ ही वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। ओम अज्ञानतमरां दश्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरो मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे।
हरे कृष्णा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज निर्जल एकादशी है। निर्जल एकादशी का व्रत समस्त एकादशियों का फल प्रदान करने वाला है। आज के दिन जो व्यक्ति निर्जल रह करके पूरा व्रत संपन्न करेगा तो उसको जो 24 एकादशियां हैं उनका फल मिलेगा। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि फिर ठीक है हम एक ही रह लेंगे, निर्जल वाला 24 क्यों रहे। लेकिन एकादशी में, एकादशी वाले दिन अन्न में पाप का वास है, इसकी शास्त्रों में कथा आती है कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ। एक बार मुर नाम का राक्षस से भगवान नारायण का युद्ध होता है और बड़ा लंबे समय तक युद्ध चलता है और युद्ध में भगवान भद्रिकाश्रम पहुंचते हैं और वहां एक गुफा में भगवान विश्राम कर रहे होते हैं। तभी मुर राक्षस भी आ जाता है और भगवान से एक कन्या उत्पन्न होती है, देवी उत्पन्न होती हैं और वो मुर का वध कर देते हैं। तो जब भगवान की निद्रा खुलती है और भगवान पूछते हैं कि आप कौन, तो वो बोलते हैं कि मैं आपकी ही अंतरंगा शक्ति हूँ। चूंकि वो एकादशी के दिन ही उत्पन्न हुई थी इसलिए वो एकादशी नाम हुआ और उनमें विशेष एकादशी वाले दिन उपवास करेगा। उपवास का मतलब है भगवान के निकट वास करेगा, उपमाने नजदीक, वास मीन वास करना। तो जो भगवान के नजदीक वास करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, भगवान का भक्ति करेगा, भगवान की साधना करेगा, भगवान का कथा सुनेगा, इस तरह से जो भगवान का भजन करेगा वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम जाएगा। एकादशी का और एकादशी भगवान के नजदीक रहते हुए एकादशी के दिन भगवान का भजन करता था, भगवान की साधना करता था और सब लोग भगवान के धाम चले जाते थे। तो नरक लोक सब खाली हो गए, तो नरक लोक के जो पाप पुरुष था, जो पाप स्वरूप था, वो एकादशी से बोला कि भाई आपके आने से तो मेरा तो बिल्कुल धंधा ही चौपट हो गया है, हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है, हमारा तो पूरा लोक ही खाली हुआ। तो पाप पुरुष भगवान के पास गया और भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने ही मुझे सेवा दिया है कि जो जीव आपके आदेशों का उल्लंघन करें, शास्त्रों की आदेशों की अवज्ञा करें, गुरुजनों वैष्णवों के उपदेशों की उपेक्षा करें, अपराध करें, ऐसे लोगों को नरक यातना दिया जाए, वहां दंड दिया जाए। लेकिन चूंकि जब से एकादशी जी प्रकट हुई है तब से प्रत्येक व्यक्ति भगवान का भजन करता है और भगवत धाम चला जाता है, तो मेरा पास कोई क्लाइंट ही नहीं है, कैसे क्या किया जाए। तो भगवान पाप पुरुष को बोलते हैं कि ठीक है आप क्या चाहते हो। तो पाप पुरुष बोलते हैं कि आज के दिन मुझे अन्न में वास दे दिया जाए, कि आज के दिन जो भी व्यक्ति अन्न ग्रहण करेगा वो नरक लोकों में जाएगा। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। तो भगवान ने पाप पुरुष को एकादशी वाले दिन अन्न में वास करने का स्थान दिया, इसीलिए एकादशी को अन्न खाना वर्जित है। फिर भी कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मन में गलत धारणा रखते हैं कि चावल नहीं खाएंगे और गेहूं खाएंगे। तो वास्तव में ये लोगों ने अपने अपने मन के अनुसार कुछ भी धारणाएं बना ली हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि एकादशी को अन्न का निषेध है, हमको अन्न नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का अन्न हो उसका सेवन नहीं करना है। लेकिन चूंकि 24 एकादशियों में हर व्यक्ति निर्जल नहीं रख पाता या जल पी के नहीं रह पाता, वो फलाहारी करता है, कई बार फलाहारी शुद्ध होती है, कई बार वो बाहर से लाता है तो उससे पूरी तरह शुद्धता की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन यथासंभव एकादशियों का पालन करता हुआ अगर कोई एकादशी रहता है और निर्जल एकादशी वाले दिन बिना जल पिए गंभीरता पूर्वक व्रत का पालन करता है, तो इसके परिणाम स्वरूप उसमें जो 24 एकादशियों में कहीं कोई भूल हो गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो,
तो उसमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उसको 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। वैसे तो प्रत्येक भक्त को यह प्रयास करना चाहिए कि वो स्वयं अपने घर में बना हुआ ही पवित्र एकादशी का भोजन बनाए और उसी को ग्रहण करे जो उसने स्वयं तैयार किया है, या फल लेकर के रहे, जल लेकर रहे, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से हर व्यक्ति के शारीरिक संरचना अलग है, प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, तो वो अपनी अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार व्रत का पालन कर सकता है। लेकिन व्रत में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो है उपवास, भगवान के नजदीक वास करना। तो हम लोगों को भगवान का निकट वास करने के लिए अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए और ये 24 घंटे पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लगाने चाहिए। क्योंकि एकादशी माधव तिथि है, जैसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के दिन हैं, अलग अलग नाम दिए, जैसे सोमवार शिव जी का है, मंगलवार हनुमान जी का है, इस तरह से अलग अलग तरह से लोगों ने दिन बांटे हैं उनको सम्मान देने के लिए। आजकल पाश्चात्य सभ्यता में फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, है ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार के डे हैं। तो इसी प्रकार से वास्तव में जो माधव तिथि है वो एकादशी है, और ये माधव तिथि को जो उपवास करता है, जो भगवान के पास वास करता है, वो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम चला जाता है। चाहे जाने अनजाने में उससे करोड़ों जीवनों में कितने ही पाप क्यों न हुए हों, अगर वो गंभीरता पूर्वक भगवान का भजन करते हुए यत्न पूर्वक एकादशी का पालन करता है तो उसके परिणाम स्वरूप वो समस्त पापों से छूटकर भगवान का प्रिय बन जाता है। और एकादशी चूंकि माधव तिथि है, ये भक्ति को विशेष शक्ति प्रदान करने वाली है, भक्ति उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति एकादशी का पालन गंभीरता पूर्वक करता है वो स्वयं महसूस करेगा कि वो अपनी साधना में, अपनी भक्ति में प्रगति कर रहा है। तो इसलिए हमको एकादशी को केवल ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है हम अन्न नहीं खाएंगे और दिन भर टीवी देखेंगे, या दिन भर फोन पे बतियाएंगे इधर उधर, या कुछ भी करेंगे, बस ठीक है उपवास है, एकादशी है, आज हमारा व्रत है, आज हम नहीं खाएंगे। लेकिन उस केवल पेट को तो भूखा रखा और उपवास किया ही नहीं, क्योंकि उपवास मतलब भगवान के नजदीक जाना, वास करना। तो हम लोगों को वास्तविक उपवास करना चाहिए। हाँ, चूंकि एकादशी वाले दिन अन्न में पाप का वास है, इसलिए अन्न का सेवन तो करना ही नहीं है, उसके साथ साथ भगवान का भजन करना है, अधिक से अधिक भगवत चिंतन करना है, अधिक से अधिक कथा श्रवण करना है, अधिक से अधिक स्वाध्याय करना है। इससे हमारा चित्त भगवान के पास रहेगा। और जब हम 24 घंटे हर 15 दिन बाद ऐसा करेंगे तो जो 15 दिन में हमारी भगवत भक्ति के प्रति जो वीकनेस आएगी, जो कमजोरी आएगी, वो पुनः पूरी हो जाएगी। इसको और सरल भाषा में कहें तो आप तो हर 15 दिन में ये एकादशी आपका बैटरी चार्ज कर देता है। जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं और वो कुछ समय तक बड़ा बढ़िया सर्विस देता है और फिर चार्ज करने की आवश्यकता है, इसी प्रकार से भक्तों का संग, एकादशी व्रत, सत्संग, ये भक्तों की बैटरी को चार्ज करने वाले हैं। तो इसलिए हमको एकादशी का पालन और भक्तों का संग प्रत्यक्ष रूप से करना चाहिए। हालांकि अभी वर्तमान परिस्थिति में जो परिस्थिति बनी है उसमें मोबाइल के माध्यम से हम लोग संग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इससे कुछ प्रेरणा मिलती है, लेकिन वास्तविकता में जब सब समक्ष साथ होकर के सब भक्त एक दूसरे का दर्शन करते हैं, समस्त भक्त एक साथ होते हैं, तो उस समय एक विशेष एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो कि हमको पवित्र करता है। हम भक्तों के संग में बैठ करके जब कथा सुनते हैं
पवित्र भाव से धोती कुर्ता तिलक पहन करके, धोती कुर्ता और तिलक लगा करके भगवान को प्रणाम करके मंदिर के अंदर बहुत सारे वैष्णवों के साथ बैठ करके जब हम कथा का लाभ लेते हैं तो उसका प्रभाव ही वास्तविक प्रभाव है। ये मोबाइल यूट्यूब इनके माध्यम से वास्तव में व्यक्ति कुछ नहीं से कुछ सही, लेकिन वास्तविकता में व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से सानिध्य प्राप्त करना चाहिए जिससे हम वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकें। लेकिन अभी जो समय है उसमें यही एक सहारा है जिससे हम लोग एक दूसरे से संवाद स्थापित कर सकते हैं, तो समस्त भक्त इसी का सहारा लेके कर रहे हैं। तो खैर, हम लोगों को एकादशी का पालन प्रत्येक एकादशी बहुत गंभीरता पूर्वक करना चाहिए और निर्जल एकादशी तो निश्चित रूप से बहुत गंभीरता पूर्वक निर्जल रह करके रखनी चाहिए। और वास्तव में ये भक्तों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, भगवान की कृपा से हो जाता है। वैसे बड़ा मुश्किल लगता है, 24 घंटे पानी नहीं पिएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि चलो कुछ पानी नहीं पिएंगे, कुछ खा सकते हैं। तो जब पानी ही नहीं पीना है तो खाने की तो बात ही कहाँ है। हमको न कुछ खाना है और न कुछ पीना है, बस केवल भगवान का श्रवण करना है। और भगवान ने भी कितनी दया की है, अगर हम ध्यान पूर्वक देखें, भगवान ने मुंह दिया है, इससे हम रस लेते हैं, विभिन्न प्रकार का स्वाद लेते हैं, भगवान का प्रसाद, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रसादों को ग्रहण करते हैं। लेकिन वो प्रसाद का आनंद सीमित समय तक लिया जा सकता है। कोई चाहे कि हम 2 घंटे 4 घंटे वो प्रसाद का आनंद मुख से लेंगे तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई भगवान के अर्चा विग्रह या भगवान के भक्तों को दर्शन करे या शास्त्र का दर्शन करे तो वो भी निरंतर नहीं हो पाता, उसमें भी पलक झपक जाती है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन भगवान ने जो हम लोगों को कान दिए हैं, इनमें ये बड़ी विशेषता है कि ये भगवान की कथामृत का पान निरंतर कर सकते हैं। तो हम लोगों को अपने इन कानों का सदुपयोग करना चाहिए और केवल कृष्ण के कथा के अलावा, कृष्ण चर्चा के अलावा अन्य किसी विषय को नहीं सुनना चाहिए। हालांकि वर्तमान परिस्थिति में न चाहते हुए भी कई बार सामाजिक समाचार या सामाजिक चर्चाएं कानों में पढ़ी जाती हैं, लेकिन हम लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए कि केवल कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा, कृष्ण नाम ही हमारे कानों के माध्यम से हृदय में जाए। क्योंकि कानों के माध्यम से जब भगवान का कथा हृदय में जाता है तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। हमारा हृदय जन्म जन्मांतरों से जो कलमश इसमें लगा हुआ है, छाया हुआ है, मैं मेरा की भावना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इन सब से हमको विशेष भगवान की कथा से कृपा मिलती है और हम अपने हृदय को शुद्ध कर पाते हैं। तो हम सब लोगों को इन कानों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और भगवान का अधिक से अधिक कथा को श्रवण करना चाहिए। लेकिन कथा को श्रवण करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के उस श्लोक को हमेशा याद रखना चाहिए जिसमें भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसी श्रोता को सुनने का लाभ प्राप्त होता है जो श्रद्धा सहित तथा द्वेष रहित होकर के सुनता है। जो श्रोता इस कंडीशन को पूरा नहीं करता उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो खूब सुनेगा लेकिन कमी निकालेगा, वो दोष देखेगा। जैसे आज का जो श्लोक है इसी विषय पे है, मैं उसी पर आ रहा हूं कि बहुत सारे लोग भगवान साक्षात आते हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार का शिक्षा देते हैं, विभिन्न प्रकार से ये प्रदर्शित करते हैं कि वो वास्तव में परम भगवान हैं, लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख हैं, वो भगवान को भगवान नहीं मान पाते। वो भगवान को एक साधारण मनुष्य ही मानते हैं। वो सोचते हैं हाँ उनके अंदर थोड़ा सा शक्ति था, ऐसा विचार करते हैं। तो आज का जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर इस श्लोक को तत्व से हम समझ पाएं तो हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। हम सब ये भूल करते हैं
कि हम भगवान तथा गुरुजनों को साधारण मानते हैं, तो वास्तव में तीसरा नाम अपराध है, गुरु आदेशों की अवज्ञा अथवा उन्हें एक साधारण मनुष्य समझना। लेकिन कई बार हम सब लोग इसी भाव में रहते हैं और हम अपने गुरु परंपरा के समस्त आचार्यों को साधारण मनुष्य के भांति ही सोचते हैं, क्योंकि हम मूढ़ हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते तो फिर गुरुजन की तो बात ही क्या है। जब हम भगवान को ही नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान को ही अगर भारत की ही आबादी की बात करी जाए, पूरे विश्व की नहीं, क्योंकि भारत भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, इस भारत भूमि में भी अगर पूछ लिया जाए कि क्या श्री कृष्ण परम भगवान हैं, तो बताने वाले, इस बात को बोलने वाले ना के बराबर लोग होंगे, बकाया सब मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। तो भगवान उन्हीं लोगों के लिए श्लोक बोल रहे हैं, बता रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तन्माश्रितम परम भाव मजानन्तु मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूं, जब मैं विराट रूप लेता हूं, तब तो सिलेंडर रहता है जीव, क्योंकि वो देख रहा है भगवान का विराट रूप है, विशाल स्वरूप है, विभिन्न देवी देवता, अनंत ब्रह्मांड, सब कुछ दिख रहा है। उस विशाल स्वरूप को तो वो भगवान मानता है। लेकिन जब भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों से सेवा लेने के लिए मनुष्य रूप में आते हैं, तब मनुष्य का बुद्धि भ्रमित होता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, भगवान बोल रहे हैं, जब मैं कृष्ण स्वरूप में आता हूं, मनुष्य रूप में आता हूं, तो जो मूर्ख है वो मेरा उपहास करता है या मुझसे कंपटीशन करता है, प्रतियोगिता करता है। हम सब भगवान से प्रतियोगिता करते हैं, भक्तों से, गुरुजनों से प्रतियोगिता करते हैं, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, वे भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान ने स्पष्ट कहा कि वो परम भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए वो भगवान के उस स्वरूप का, मनुष्य स्वरूप का उपहास करते हैं, या वो बोलते हैं कि ये कृष्ण वो कृष्ण नहीं है, इनके अंदर का कृष्ण कोई और कृष्ण है। उसने गीता का उपदेश दिया, भगवान तो निराकार है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वो सर्वत्र है, सब कड़कड़ में है, ये तो मनुष्य रूप में, ये कैसे कड़कड़ में हो सकते हैं। तो वो अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करता है, लेकिन तुच्छ जीव ये भूल जाता है कि उसके पास सीमित संसाधन है सोचने के लिए, विचार करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए, सीमित शक्तियां हैं। लेकिन वो अपनी सीमित शक्तियों से असीमित भगवान को जब समझने की भूल करता है तो हमेशा असफल होता है, और ऐसे लोगों को भगवान ने कहा मूढ़, ये मूर्ख है, ये जानते ही नहीं वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, तथ्य क्या है, ये नहीं जानते। इसीलिए भगवान को बहुत सारे लोग साधारण मनुष्य के रूप में मानते हैं कि वो एक शक्तिशाली मनुष्य थे, जैसे कि कई और शक्तिमान राजा हुए हैं, शक्तिशाली हुए हैं, तो वो उन्हीं की तरह सोचते हैं कि जैसे वो राजा हुए थे वैसे ही एक रामचंद्र भी राजा थे, वैसे ही एक कृष्ण भी राजा है, लेकिन ये परम भगवान नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में हमको बताते हैं कि भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन संहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। वो भगवान जो समस्त जगत को पालन कर रहा है, सृष्टि कर रहा है और नष्ट कर रहा है, वो मनुष्य नहीं हो सकता। और भगवान के तो कार्यकलाप देखकर, लेकिन जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो देख पाएगा, जो अश्रद्धालु है, जो द्वेषी है वो नहीं देख पाएगा। दुर्योधन नहीं देख पाया, पांडव देख पाए। तो भगवान जब आते हैं तब क्या करते हैं, वसुदेव तथा देवकी के समक्ष जब वो आते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तो वास्तव में भगवान का प्रत्येक कार्य ये बताता है कि वो भगवान हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो कि मूर्ख हैं वो भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान स्वीकार नहीं करना चाहते।
तो भगवान श्री कृष्ण वास्तव में परम भगवान हैं और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की, जैसे कि बचपन में वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और अपनी माता के समक्ष उनको दर्शन दिया और बाद में अपने माता पिता को आनंद देने के लिए शिशु रूप धारण कर लिया। और भगवान देखते हैं फिर जब गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, तब विराट रूप दिखाते हैं और विराट रूप के बाद फिर चतुर्भुज रूप ले लेते हैं और फिर चतुर्भुज रूप के बाद फिर द्विभुज रूप ले लेते हैं। तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि वास्तव में सब कुछ परम पुरुष परम भगवान मैं ही हूं। और भगवान ने स्वयं कहा है, भाई इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान योगी हैं, बहुत बड़े योगी हैं, योगी राज हैं, है ना, लेकिन परम भगवान नहीं है। तो ऐसे मूर्खों के लिए तर्क है कि वास्तव में जो योगी होता है वो यम धारणा ध्यान आसन समाधि इस तरह से जो आठ आयाम है उनमें होता है। तो जो यम है उसमें पांच अंग हैं, उनमें एक है सत्य। तो जो यम का पालन करता है वो हमेशा सत्य बोलता है। तो जो लोग बोलते हैं कि भगवान योगी हैं तो इसका मतलब है भगवान यम का पालन कर रहे हैं, यानी वो हमेशा सत्य बोलते हैं। तो अगर वो सत्य बोलते हैं तो भगवद गीता में भगवान ने जगह जगह कहा मैं ही परम भगवान हूं, मेरी शरण ग्रहण करो, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही परम सत्य हूं। लेकिन मूर्ख तो मूर्ख हैं, उनको कहता भी समझा लो, वो अपनी मूर्खता से बाहर निकलने से रहे। तो वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, लेकिन केवल भक्त ही उनको समझ सकते हैं, ये भगवान ने स्वयं कहा है। हर व्यक्ति उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को देख करके वो ये सोच नहीं पाता कि ये भगवान अनंत ब्रह्मांडों का संचालन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान को अपने जैसा मान लेता है। और ये भूल हम सबसे अक्सर होती है कि हम सब लोग अज्ञानतावश भूलवश भगवान के समान अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग भगवान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में हम कभी भगवान बन नहीं सकते। हम सब भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान से कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है तो हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हम भगवान से नहीं कंपटीशन, हम कहां सोच सकते हैं भगवान से कंपटीशन। लेकिन चूंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं, हम अपने अनर्थों को पहचानते ही नहीं हैं, हम अपने अवगुणों को पहचानते ही नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जान पाते। संत और असंत का लक्षण यही है, एक भक्त और अभक्त का लक्षण यही है कि जो भक्त है वो अपने दोषों को जानता है और दूसरे के गुणों को जानता है, और जो अभक्त है जो असंत है वो अपने गुणों को जानता है और दूसरों के अवगुणों को जानता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को गुणी मानता है, अपने आप को सोचता है कि वो बहुत अच्छा है, उसके समान कोई नहीं है, वो बहुत अच्छा साधक है, वो बहुत अच्छा भक्त है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भगवान की साधना कर रहा है, तो वास्तव में वो भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त कभी भी अपने आप को भक्त स्वीकार नहीं करता। वो हमेशा ये स्वीकार करता है कि वास्तव में वो संसार का सबसे बुरा व्यक्ति है, क्योंकि वो अपना ईमानदारी से परीक्षण करता है और दूसरों में हमेशा गुण देखता है। और एक संत को स्वयं को छोड़ करके सब संत नजर आते हैं, एक अभक्त को खुद को छोड़ करके और सब अभक्त नजर आते हैं, लेकिन एक भक्त को स्वयं को छोड़ करके और सब भक्त नजर आते हैं। बस यही दृष्टि जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम वास्तव में भक्त बन सकते हैं, लेकिन ये नजरिया हृदय से स्वीकार करना होगा। ऐसे नहीं ऊपर से बोले हाँ हाँ प्रभु जी हम तो सबसे बुरे हैं, और अंदर से हर वो बात करें, हर वो कार्यकलाप करें जिससे ये प्रदर्शित हो कि हमसे ज्यादा महान कोई नहीं है। तो इसलिए हम सब लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में हम सब भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भक्त ही वास्तव में भगवान को समझ सकता है। चूंकि हम भक्त नहीं हैं, इसलिए हमको भगवान के विषय में समझने में बड़ी मुश्किल है, हम अपने आप को जानते नहीं हैं, हम भगवान से कंपटीशन कर रहे हैं, हम भगवान बनना चाहते हैं, हम भगवान की तरह सुख भोगना चाहते हैं, हम भगवान की तरह स्वतंत्र रहना चाहते हैं,
हम भगवान की तरह सबको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, हम भगवान की तरह एक छत्र राज करना चाहते हैं। ये सब अवगुण भगवान से प्रतिस्पर्धा करने के कारण ही हमारे अंदर उत्पन्न हुए हैं। तो हम सब जब वास्तव में भक्त बनेंगे कभी किसी जन्म में, इस जन्म में तो पता नहीं मुश्किल है लगता, लेकिन प्रयास करते रहेंगे तो गुरुजनों और भक्तों की कृपा से हो सकता है ऐसा हो जाए कि अगर हम भक्त बनेंगे तब हम देख पाएंगे कि वास्तव में हम भगवान से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं, और ये द्वेष ही हमें अनंत जन्म जन्मांतरों में 84 लाख योनियों में धकेल रहा है। क्योंकि भगवान से कोई कॉम्पिटिशन हो ही नहीं सकता, भगवान के कोई समान भी नहीं है, तो उनसे बड़ा कैसे हो सकता है। तो खैर, श्रील प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, ईश्वर या नियंता अनेक हैं, वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। जैसे इस संसार में आप देखो, हर व्यक्ति से बड़ा कोई दूसरा व्यक्ति नजर आता है, उससे और बड़ा दूसरा नजर आता है, लेकिन सबसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी के द्वारा नियंत्रित है। लेकिन परम भगवान वो सबको नियंत्रित करते हैं, मगर वो किसी से नियंत्रित नहीं है, इसीलिए वो परम नियंता है, और वो परम नियंता है भगवान श्री कृष्ण। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंदमय है। कभी भी हमें ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए कि हम सोचें कि भगवान का शरीर हमारे आपके जैसा है। लेकिन जो मूर्ख हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहां मानुष्यम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म कर रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो बहुत है। वसुदेव देवकी के यहां जन्म लिए, यशोदानंद बाबा के यहां बढ़ रहे पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, अर्जुन का रथ हांक रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के दूत बनकर के दुर्योधन को संधि का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। भगवान के विभिन्न कार्यकलाप अगर कोई सांसारिक दृष्टि से या अपनी तुच्छ बुद्धि से सोचेगा तो वो ये कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा कि वास्तव में ये परम भगवान हैं, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। क्या भगवान है? क्या यही भगवान है वो? लेकिन वास्तविकता यही है कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। लेकिन ये सब उनके ऐश्वर्य हैं। जितने भी भगवान के कार्यकलाप हैं ये भगवान के 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करते हैं। या हम उस ऐश्वर्य को न समझ पाए वो हमारी अपनी समस्या है। कहीं भगवान अपने वैराग्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, कहीं भगवान अपने संपूर्ण धनवान ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, कहीं संपूर्ण यशवान, कहीं संपूर्ण बलवान। तो भगवान का अगर जीवन चरित्र कोई वैष्णवों के माध्यम से सुनेगा, प्रमाणित भक्तों के संरक्षण में भगवान के जीवन चरित्र को सुनेगा, तो वो समझ पाएगा कि वास्तविकता में भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण लीलाओं को निरंतर कर रहे हैं, और वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन अगर वो अपनी तुच्छ बुद्धि से सोचेगा या अवैष्णवों से सुनेगा तो निश्चित रूप से वो भगवान को लेकर के शंकित होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन की प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः मनुष्य रूप धारण किया। हाँ, आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्न श्लोक 3, 29, 21 यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेशु भूतेषु भूतमा वस्तिता सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। यानी वो इस श्लोक के माध्यम से ये साबित करना चाहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, समस्त जीवों के हृदय में आत्मा विद्यमान है, यानी जो आत्मा है वही परमात्मा है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे प्रमाणित आचार्यों से ग्रहण करें। श्रील प्रभुपाद जी भी जब किसी बात को बोलते हैं तो वो अपने
वरिष्ठ गुरुजनों, गुरु परंपरा में आए आचार्यों का उदाहरण देकर के बोलते हैं कि हमको उनसे ये सीखना चाहिए। वो कैसे इस बात को ले रहे हैं, वो कैसे इसको देख रहे हैं, वो कैसे इसको समझा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र को समझना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। न कि कृष्ण का उपहास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे प्रमाणित आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। यानी बहुत सारी ऐसी व्याख्याएं हैं जो अनअधिकृत हैं, उनको अधिकार प्राप्त नहीं है लेकिन व्याख्या कर दिया, किताब छप गई, मार्केट में उपस्थित हो गई, बिक रही है, अभी आप खरीदेंगे कुछ भी, वो कुछ भी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भ्रमित होंगे। इसलिए प्रमाणित आचार्यों की प्रमाणित टीकाओं को ही हमको पढ़ना चाहिए। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा रूप में विस्थित हैं। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है, वह अन्य जीवों को जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम समस्त भक्तों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, सबसे गहरी बात, हम सबकी ये समस्या है। मंदिर में आकर के राधा रमन बिहारी के प्रति अलग भाव होता है, भक्तों के प्रति अलग भाव होता है और सामान्य जनों के प्रति एक अलग भाव होता है। तो वास्तव में हम सबको विवेकवान होना चाहिए और केवल भगवान के सम्मान तक ही अपनी श्रद्धा को सीमित नहीं रखना चाहिए। वास्तविक श्रद्धालु जो वास्तव में भक्त है, वो समस्त जीवों के हृदय में मंदिर का दर्शन करता है, क्योंकि भगवान साक्षात बोल रहे हैं मैं परमात्मा स्वरूप प्रत्येक जीव के हृदय में हूं। तो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा विराजमान है, यानी प्रत्येक जीव चलता फिरता मंदिर है। फिर वो खाली मनुष्य नहीं, खाली वैष्णव नहीं, जीव मात्र, चाहे वो चींटी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे चूहा हो, चाहे खरगोश हो, कोई भी, समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान विराजमान है। यानी हमको जीव मात्र का आदर करना चाहिए और भगवान को उसमें उपस्थित देख करके, क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा तथा परमात्मा का वास है। यह हम लोग स्वयं श्रीमद् भगवद गीता और भागवत के माध्यम से समझे हैं। तो इसलिए हम सबको इस बात पर पूरा विश्वास रखते हुए प्रत्येक जीव को मंदिर के रूप में दर्शन करना चाहिए। लेकिन ऐसा दृष्टि तब संभव है जब हम बहुत विवेकवान हों और अपने आप को, अवगुणों को देख पाए। जब व्यक्ति अपने अवगुणों को देख पाता है तभी दूसरे के गुण उसको दिखते हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब तक हमको किसी के दूसरे के अवगुण देखने से ही फुर्सत नहीं है तो अपने अवगुण देखने का टाइम कहां है। इसलिए हम लोगों को केवल अपने अंदर अवगुण देखने चाहिए और समस्त भक्तों के अंदर, समस्त जीवों के अंदर गुण देखना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो जीते जी वैकुंठ पहुंच जाएंगे। मरने के बाद जाने की आवश्यकता नहीं है, जीते जी करके देखिए। आप जीव मात्र के दोषों को नजरअंदाज करिए, केवल अपने दोषों को देखिए और फिर देखिए ये पूरी सृष्टि आपकी नजर से बदल जाएगी। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। अगर आपका दृष्टि गंदा है तो सृष्टि गंदी है, दृष्टि अच्छी है तो सृष्टि अच्छी है। इसलिए सृष्टि को मत सुधारो, अपनी दृष्टि को सुधारो। इसलिए हम सब लोगों को अपनी दृष्टि सुधारनी है, न कि सृष्टि सुधारने निकल पड़ना है। और अगर हम, तो हम स्वयं में आनंदित हो जाएंगे, हमको किसी का कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, जो आए ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आए वो भी अच्छी बात है, उसका अपना इच्छा है। व्यक्ति अपने दोषों को चिंतन करे, अपने दोषों को निकाले, अपने ऊपर कार्य करे, उसे किसी के दोष देखने का अधिकार नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त, नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों को सम्मान नहीं करता, वह
वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है, वृथा बेकार। भगवत भक्तों के तीन प्रकार हैं, जिनमें थर्ड क्लास का भक्त यानी नव दीक्षित, यानी नई नई दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति, जिसका अभी अभी दीक्षा हुआ है, नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए और हमें अपनी मानसिकता सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और जितना आदर हम भगवान को दे रहे हैं, उतना ही आदर भगवान के भक्तों तथा जीवों को भी देना चाहिए। आगे बोलते हैं श्रील प्रभुपाद कि यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांसों द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। यानी भगवान यहाँ प्रभुपाद जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, जिस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि भगवान वास्तव में साक्षात गोलोक वृंदावन धाम में अपने नित्य प्रेमी जीवात्माओं के साथ, नित्य मुक्त जीवात्माओं के साथ निवास करते हैं और प्रेममयी लीलाओं का आनंद अपने भक्तों को देते हैं। भगवान का इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान अपनी परा तथा अपरा शक्तियों के माध्यम से संपूर्ण शक्ति का, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, प्रकट करते हैं और संहार करते हैं। तो ये सृष्टि भी भगवान से अलग नहीं है, ये भगवान की ही शक्ति स्वरूपा है, लेकिन साक्षात श्री भगवान वृंदावन धाम में विराजमान हैं अपने नित्य प्रेमी भक्तों के साथ। तो हम सब लोगों को वास्तव में भगवान का प्रेमी भक्त बनना चाहिए, ना कि द्वेषी भक्त। हम लोग प्रेमी भक्त नहीं है, हम द्वेषी भक्त हैं। हम द्वेष करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम भगवान जैसा बनना चाहते हैं, हम भगवान जैसे भोग भोगना चाहते हैं, हम भगवान से अपनी तुलना करते हैं, हम एक छत्र साम्राज्य चाहते हैं। तो ये सारे जो भगवान से द्वेष करने वाले कार्यकलाप हैं, इनसे जब तक जीव नहीं निकलेगा तब तक भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सब लोगों को अपने आप को भक्त मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, अपने वास्तविक आसुरी स्वभाव को पहचानना चाहिए और अपने उस आसुरी स्वभाव को भगवान के भजन द्वारा, भक्तों वैष्णवों गुरुजनों की कृपा के द्वारा देवीय स्वभाव में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए और बड़ी ईमानदारी से ये स्वीकार करना चाहिए कि वास्तव में मेरा स्वभाव आसुरी है। हाँ, मैं देवीय बनने का प्रयास कर रहा हूं, आप सब कृपा करो जिससे मैं वास्तव में देवीय स्वभाव प्राप्त कर पाऊं। क्योंकि अगर मेरा स्वभाव देवीय होता तो निश्चित रूप से हम भगवान से प्रेम कर रहे होते, भगवान के लिए ही मेरा जीवन होता। तो हम सब लोगों को वास्तविक संत स्वभाव ग्रहण करना है, भक्त स्वभाव ग्रहण करना है और इस भक्त स्वभाव या संत स्वभाव को ग्रहण करने में सबसे मूल बात जिसको हमें प्रत्येक भक्त को ध्यान रखना चाहिए, हमको कभी किसी भक्त में दोष नहीं देखने चाहिए। हमको हाँ दोष नहीं देखने चाहिए का मतलब ये नहीं है कि सबका संग करना चाहिए, संग सबका नहीं करना चाहिए। हमको अगर दिख रहा है कि कोई भक्त का आचरण बहुत अच्छा नहीं है, उसका वो निंदा करने का स्वभाव है, वो कपटी भाव का व्यक्ति है, तो ठीक है, वो उसका अपना स्वभाव है, हमें उसका निंदा नहीं करना है, लेकिन उसका संग भी नहीं करना है। हमको भगवान का जो उन्नत भक्त है, और उन्नत भक्तों की परिभाषा आचार्यों ने दी है हम लोगों को, श्रील प्रभुपाद जी ने और हमारे गुरु परंपरा के आचार्यों ने दी है, कि हमको उन भक्तों का संग करना चाहिए जो निंदा शून्य है, जो किसी का निंदा नहीं करते। दूसरा, जिन्होंने बहुत सारे भक्त बनाए हैं, वैष्णवों की ये पहचान है कि जो कभी किसी की निंदा नहीं करते और जो बहुत सारे भक्तों को प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोगों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, यही भक्त का लक्षण है।
तो हम सब लोगों को भक्त बनने के लिए निरंतर प्रचार कार्य करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को भगवान की भक्ति भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करवाना चाहिए, 16 माला का जप करवाना चाहिए, चारों नियमों का पालन करवाना चाहिए, सत्संग में उनको मंदिर लेकर के आना चाहिए और उनको श्री श्री राधा रमन बिहारी तथा गौशाला में गाय की सेवा में उनको लगाना चाहिए, भक्तों की प्रैक्टिकल सेवा में उनको लगाना चाहिए। ऐसा मनोभाव होने पर आप वास्तव में जीते जी वैकुंठ में वास करेंगे। लेकिन अगर केवल अपनी ही प्रशंसा, अपनी ही इंद्रिय तृप्ति, अपना ही कुछ भाव कुछ भी सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा पात्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को बहुत विनम्रता पूर्वक भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की साधना करते हुए, भगवान का प्रचार करते हुए इस मनोवृत्ति को शुद्ध करना है, आश्रय भाव को नष्ट करना है और भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना है कि भगवान आपको शक्ति दें जिससे आपका निर्जल व्रत पूरा हो और आप भगवान के कृपा पात्र बन सकें। शील प्रभुपाद की जय।